भारत डेयरी फार्म ऑपरेट कर रहा है पिछले 2 साल से, जहां क्वालिटी का नाम है भारत डेयरी फार्म। एमएसके मिल मिसबानगर हवा मलिनाथ टेम्पल के बिल्कुल करीब ये फार्म चल रहा है, जिसे चला रहे हैं मोहम्मद खिजर, जो कि फिलहाल बीकॉम परस्यू कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक पैशन था ताकि गुलबर्गा शहर को एक हाई क्वालिटी डेयरी फार्म दिया जाए। जिया खिजर एक एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने काफी अच्छे तौर पर एक मेहनत करते हुए गुलबर्गा शहर को प्योर और हाइजीन 6+ फैट मिल्क वो प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 70 रुपीज पर लीटर में। याद रखिए डोर स्टेप डिलीवरी है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको देसी एग्स भी मिलते हैं। बकरीद के लिए इन्होंने स्पेशल ऑफर रखा है, उसमें ग्रीन फॉर्डर जो आता है, जो बकरीद के लिए, जो बकरों को या जानवरों के लिए खिलाने के लिए जो चारा चाहिए वो यहाँ पर मिल रहा है। साथ साथ उनके पास एक स्पेशल गोट भी रखा है, यानी एक स्पेशल उनके पास एक ब्रीड का बकरा है जो आप खरीद सकते हैं, या ये स्पेशल ऑफर में रखा जा रहा है। ये स्पेशल लास्ट गोट है और बहुत ही अच्छी ब्रीड का है, इसे आप खरीद सकते हैं। साथ साथ एक बहुत अहम काम हम बता रहे हैं आपको, वो है वर्मी कंपोस्ट, यानी कि जो मैन्यूर निकलता है, जो खाद निकलती है, उसका काम भी यहाँ पर होता है। यानी भारत डेयरी फार्म के अंदर वर्मी कंपोस्ट, आपको जो खाद होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डनिंग के लिए, बल्ब प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंपोजर के लिए जो कीड़े जो निकलते हैं उससे भी यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं, कीड़ों को भी आप खरीद सकते हैं, कीड़ों की भी सप्लाई जो है यहाँ पर करते हैं, जो बहुत ही अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रखिए भारत डेयरी फार्म आपको अलग अलग एरिया, यानी मिसबानगर, अजमेरी कॉलोनी, पटेल कॉलोनी, शाह जिलानी दरगाह एरिया, हुसैन गार्डन, इकबाल कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, हीरापुर, सीआईबी कॉलोनी, विद्यानगर और आसपास के एरियाज में आपको सर्विस देने के लिए तैयार है। कॉल करें 9663347195। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद खिजर, जो आज आए हैं गोहैश वाले हमारे भारत डेयरी फार्म जो कि मिसबानगर में लोकेटेड है, उसका शूट करने आए हैं। आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ। भारत डेयरी फार्म जो कि 2 साल पहले चालू हुआ था, दो साल से ऑलमोस्ट गुड रिव्यूज है, कोई कंप्लेन नहीं है। उसके बारे में मैं आपको जो नेचुरल बफेलो मिल्क के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो दूध है भैंस का उसके फ़ायदे बता रहा हूँ। इसका दूध है, हमारा फैट आता है 6 एंड अबव, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप देखिए जो पैकेट का दूध बोलते हैं उसको प्योर एंड फ्रेश बोल के टैग आता है सामने, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेश एंड प्योर। मतलब इसको आप कंपेयर करेंगे उससे, तो ये दूध निकाल के ऑलमोस्ट आप 2 से 3 घंटे आप धूप में रखेंगे तो वो दूध ख़राब हो जाता है एकदम। वहीं जाके आप जो पैकेट का दूध होता है, जो पैक्ड होता है, उसमें ऑलमोस्ट प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इस हार्मफुल होने के बावजूद भी लोग उसको प्रिफर करते हैं, उससे अवॉइड करके लोगों को अननेचुरल चीज़ से निकाल के। हमारा मतलब एक एम है कि जो नेचुरल वे से प्योर एंड हाइजीनिक मिल्क सप्लाई करें, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। दूध और चारे के अलावा हमारे पास जो है वर्मी कंपोस्ट, जो के किसानों का दोस्त माना जाता है, और ब्लैक गोल्ड जिसको कहा जाता है हिंदी में, काला सोना आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। ये मेरा यहाँ पे नया स्टार्टअप है, अगर किसको भी ऑर्डर्स देना है या इसके लिए, इसकी होम गार्डनिंग में ये काम आता है, या टेरेस पे कुछ भी करते हैं, या घर में डोमेस्टिक प्लांट्स वगैरह जो यूज़ होता है उसके लिए ये काम आता है। ये मेरा और प्लांट एक ऑलरेडी सेटअप है, जो कि आपको ऑर्डर जो आप देंगे तो मिलेगा आपको, बल्क में हो या रिटेल में मिल जाएगा। ये है चारा जो हम जानवरों को डालते हैं, इसका नाम है सुपर नेप्योर, जो ऑलमोस्ट माना जाता है कि वर्ल्ड में टॉप क्लास चारा है। इसके लिए जो इसके जो फ़ायदे हैं चारे से मिल्किंग एक ज़्यादा होती है, पोटेश विटामिन्स कैल्शियम हर चीज़ की दूध में और जानवरों में बढ़ोतरी होती है।
और ये जो मशीन है इसमें से, इस मशीन में से हम इसको पीछे से डालेंगे, ये सामने से कट होकर पूरा एकदम बारीक हो जाएगा, जो कि जानवरों को खाने में बिल्कुल ही बिल्कुल आसानी पैदा होती है, बिल्कुल आसानी। छोटा एकदम आप बोले तो निवाला बना के देने जैसा होता है, इसे बहुत कंफर्ट फील होके जानवर आसानी से खा लेता है। जो पैकेट का आपको रिटेल शॉप्स में दूध मिलता है जो एनी टाइम अवेलेबल रहता है, उसमें जो आप देखेंगे 3 से 4 दिन भी आप उसको बाहर रखेंगे तो ख़राब होता नहीं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें कितना प्रिजर्वेटिव्स ऐड रहते हैं और कौन से लेवल पे केमिकल ऐड रहते हैं। बिल्कुल भी जो नेचुरल नहीं होता वो बिल्कुल हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है।